जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आदमपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ तैयारी हो रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि अब तो जनता को बदलाव चाहिए, तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है आदमपुर और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, क्या है कांग्रेस का स्टैंड? देखिए हार्दिक, कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात कर ली जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने अपने ढंग से चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है। भले ही फिर पार्टी, अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, इसके साथ साथ कांग्रेस की बात कर ली जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने ढंग से तैयारियों में पहले से ही लगी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुलदीप बिश्नोई की। जब से ये सीट खाली हुई है उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं आदमपुर में, फिर चाहे बात खुद कुलदीप बिश्नोई की कर ली जाए या फिर उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई की बात कर ली जाए। हालांकि कुलदीप बिश्नोई सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आदमपुर की जनता जो है भव्य बिश्नोई को चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अंतिम फैसला जो है हाईकमान की तरफ से होगा। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो जिस तरह से अभी कुछ देर पहले खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे थे कि कौन मैदान में उतरेगा इस बारे में अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अगर सक्रियताओं की बात कर ली जाए तो जयप्रकाश भी इस एरिया में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हिसार के प्रभारी भी हैं। इसके साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, अब तक आम आदमी पार्टी यहां पर काफी दमखम जो है दिखा चुकी है, क्योंकि खुद भगवंत मान के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर रैली कर चुके हैं। इसके साथ साथ कल ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी आदमपुर में दौरा किया था। बाकायदा शिक्षा को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी चल रही है। इसके साथ साथ अगर जेजेपी की बात कर ली जाए या फिर तमाम और पार्टियों की बात कर ली जाए, वो भी अपने अपने ढंग से इस दिशा में बढ़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हरियाणा में गठबंधन की बात कर ली जाए, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों का प्रत्याशी एक ही उतरेगा, लेकिन भविष्य क्या रहता है, किस तरह से परिस्थितियां बनती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन अब जिस तरह से शेड्यूल जारी हो चुका है उसको लेकर और भी ज्यादा राजनीतिक एक्टिविटीज जो है वो आदमपुर में होना एक तरह से लाजमी है, और अभी धीरे धीरे माहौल जो है वहां पर और भी तेजी पकड़ता नजर आएगा। रोहित, आपने जयप्रकाश का जिक्र किया, 2009 के चुनाव याद करूं तो उसमें जयप्रकाश कांग्रेस की ओर से लड़े थे और उन्होंने तकरीबन 40% वोट अपने हिस्से में पाए थे और कुलदीप बिश्नोई को 45% वोट मिले थे, हालांकि उन्होंने जीत हासिल की थी, बावजूद इसके कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर जयप्रकाश ने ही दी थी। उसके बाद तो कांग्रेस की हालत कभी आदमपुर में अच्छी रही नहीं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जयप्रकाश मैदान में उतर सकते हैं एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से, या जो नए नए उम्मीदवार कांग्रेस में आ रहे हैं, नए नए नेता जो जुड़ रहे हैं कांग्रेस में, वो आएंगे इस बार आदमपुर उपचुनाव में, समीकरण क्या है? हार्दिक, अगर राजनीतिक समीकरणों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये सीट भी काफी अहम इसलिए मानी जाएगी क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कांग्रेस अपने आप को साबित करना चाहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को साबित करना चाहते हैं, और जो नए प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह मिले हैं कांग्रेस को, ये अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं, तो दमखम जो है कांग्रेस इस सीट पर जरूर दिखाएगी और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरी ताकत के साथ जो है कांग्रेस इस मैदान में उतरेगी। अभी तक की सिनेरियो की अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की परिस्थितियों की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस एक तरह से जयप्रकाश ही उनको सॉलिड इसलिए लग रहा है क्योंकि जयप्रकाश का अच्छा रुतबा रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसके साथ हिसार लोकसभा से सांसद भी रहे और आदमपुर में अपना दमखम पहले भी दिखा चुके हैं। एक तरह से अच्छी खासी चुनौती जो है कुलदीप बिश्नोई को देने का काम जयप्रकाश ने किया था, तो कुल मिलाकर अगर परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो कांग्रेस कहीं पर भी खुद को कमजोर नहीं होने देगी। परिस्थितियों की अगर बात कर ली जाए तो वो ये चाहती है कि जिस तरह से खुद को साबित करने का मौका जो है ये आदमपुर का उपचुनाव है। इसके साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, वो भी हरियाणा में अपना रुतबा साबित करना चाहती है, उपचुनाव खासा अहम आम आदमी पार्टी के लिए भी है, लेकिन वक्त किस तरह से करवट लेगा, कौन कौन सी परिस्थितियां बदलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने ढंग से तैयारियां मुकम्मल करने में जुटी है, फिर चाहे बात कांग्रेस की कर ली जाए, भाजपा की कर ली जाए या आम आदमी पार्टी की कर ली जाए। जैसे बीजेपी में तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, भव्य बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई है, रेणुका बिश्नोई है, ये शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई एक चेहरा हो सकता है बीजेपी की ओर से, या फिर सोनाली फोगाट की बहन भी अब राजनीति में एक्टिव हो गई हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। सोनाली फोगाट ने भी अच्छी दावेदारी दिखाई थी पिछले चुनाव में,
तो क्या ये हो सकता है कि बीजेपी की ओर से उन्हें मौका दिया जाए, या अगर मौका नहीं दिया गया तो क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश करेंगी? सोनाली फोगाट के परिवार का क्या स्टेटस है? देखिए, सोनाली फोगाट के परिवार की अगर बात कर ली जाए तो उनकी बहन रुकेश, जो एक तरह से सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत की हकदार महापंचायत में घोषित की गई थी, उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया था कि चुनावी मैदान में वह जरूर उतरेंगे। लेकिन अगर परिस्थितियों की बात करी जाए या फिर उनके भाई वतन ढाका और रिंकू ढाका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसकी बात करी जाए तो उनका सीधे तौर पर कहना यही था कि वो बीजेपी में अभी भी हैं, पहले भी थे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या चुनावी माहौल जब नजदीक आएगा उसके बाद रुकेश जो है करवट ले सकती है, क्या अपने ढंग से चुनावी मैदान में उतर सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन परिस्थितियों की फिलहाल की बात कर ली जाए तो फिलहाल रुकेश जो है वो बीजेपी में ही है और बीजेपी की तरफ से एक तरह से आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाने की बात भी उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई के साथ हुए मुकाबले की बात कर ली जाए, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे उस दौरान की परिस्थितियों की अगर बात कर ली जाए तो सोनाली फोगाट ने अच्छी टक्कर जो है देने का काम किया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा में आ चुके हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी इस पर नजर रहेगी। लेकिन चुनावी मैदान जो है एक तरह से दिलचस्प जरूर आदमपुर का नजर आएगा। लेकिन रोहित, एक बड़ा चेहरा कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के पास, बीजेपी की पुरानी जो ऐतिहासिक विरासत है वो तो बीजेपी के पास है ही, पुराना वोट बैंक। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अपनी एक विरासत रही है हमेशा से। आदमपुर सीट पर सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई काबिज रही है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है, तो कांग्रेस भी अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश तो करेगी, कोई ना कोई चेहरा तो उसके पास भी होगा। बीजेपी के पास अगर रुकेश पूनिया, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई ऐसे कई चेहरे हैं उम्मीदवार के तौर पर, तो कांग्रेस के पास कोई है कि नहीं जयप्रकाश के अलावा, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं?